वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से एज निकाली जाती है। एज को हिंदी में उम्र कहा जाता है, यानी कि आप इस वीडियो में सीखेंगे कि आप अपनी उम्र किस तरह से निकाल सकते हैं, आप कितने साल के हो गए हैं, यानी कि आपकी एज कितनी हो गई है। अगर ये निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए और आप बिल्कुल एज निकालना सीख जाएंगे। तो इसे सीखने से पहले आइए हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी उम्र निकालेंगे, आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, कितने महीने ये होते हैं, कितने दिन, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एक मंथ में आपने देखा होगा 28 डेज होते हैं फरवरी में कभी कभी, और कभी कभी 29 होते हैं, मगर कभी कभी 30 होते हैं और कभी कभी 31 भी होते हैं। ये आपने देखा होगा हर महीने में फरवरी में 28 या 29 होते हैं और कभी कभी 30 या कभी कभी 31 डेज रहते हैं, मगर जब एज कैलकुलेट करने की बात आएगी तो आप सिर्फ और सिर्फ 30 डेज को ही चुनेंगे। तो आपको याद ये रखना है कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, एक मंथ में 30 डेज होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर एज कैलकुलेट करने की बात होगी तभी आपको ये दिमाग में रखना है कि एक महीने में 30 डेज होते हैं, और एक साल में कितने दिन कितने महीने होते हैं, वन ईयर में 12 मंथ होते हैं, ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, एक साल में 12 महीने और एक महीने में 30 दिन होते हैं, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इन दोनों ही चीज को आपको याद कर लेना है बिल्कुल। उसके बाद आप देख लीजिए कि डेट किस तरह से लिखी जाती है। मान लीजिए मैं आपके सामने आज की ही डेट लिखकर दिखा दे रहा हूं, आज है कितनी 12 जुलाई। तो इस तरह से आप पहले दिन लिखते हैं कि कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, 12 लिखते हैं, उसके बाद महीना लिखते हैं 12 जुलाई 2021। इस तरह से डेट लिखी जाती है, आपको मालूम है अच्छी तरह से। लेकिन इसकी जगह पे आप कभी कभी ये भी लिख सकते हैं 12 और जुलाई की जगह लिख सकते हैं जुलाई 21 स्पेलिंग लिख सकते हैं JULY और उसके बाद 2021 लिख देते हैं। इस तरह से भी आप एज डेट लिख सकते हैं। लेकिन जब एज कैलकुलेट करने की बात आती है तब आप इस तरह से डेट को मत लिखिएगा। किस तरह से आप डेट को लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखते क्या है, दिन लिखते हैं, जो तारीख है वो लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर साल लिखते हैं। लेकिन जब एज कैलकुलेट करने की बात आएगी तो आप ये वाला तरीका ना लिखिएगा, ये वाला तरीका नहीं लिखिएगा, आप सबसे पहले साल लिखिएगा। साल लिखेंगे क्या, 2021 लिखिएगा, उसके बाद ये इंग्लिश की स्पेलिंग ना लिखकर ये लिखिएगा 707। यानी कि पहले आपको साल लिखना है, मंथ जहां पर लिखा हुआ है उसको वहीं पर लिखा रहने दीजिए, और उसके बाद जो तारीख है उसको लास्ट में लिख दीजिए। जब एज कैलकुलेट करने की बात आएगी तो ये वाला तरीका सही है। इस तरीके के हिसाब से हम लिखेंगे अभी आगे एग्जांपल में। तो आपने क्या क्या देख लिया कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, 28 दिन या 29 दिन या 30 दिन या 31 दिन। लेकिन जब एज कैलकुलेट करने की बात आएगी तो सिर्फ आप 30 डेज को ही दिमाग में रखेंगे, 30 डेज का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दिमाग में रखना है एक महीने में 30 डेज होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, इन दो पॉइंट को याद रखना है। डेट किस तरह से लिखी जाती है, लिखने का सही तरीका यही है, मगर जब एज कैलकुलेट करने की बात आएगी तब डेट आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद एज को निकालने के लिए घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि माइनस किया जाता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें माइनस करना भी नहीं आता है, तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से माइनस किया जाता है, किस तरह से घटाया जाता है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कितना यहाँ ले लेते हैं 200 358, एक ये ले लिया, इसमें से क्या घटा देते हैं हम 13 4 5 6 3, इसको हम घटा देते हैं। इसको किस तरह से घटाया जाता है ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपके घटाने के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस एग्जांपल के साथ में। तो इसमें देखिए किस तरह से घटाते हैं, अगर ऊपर नंबर बड़ा है नीचे छोटा है तो सिंपली घट जाएगा। 8 में से 3 आप घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, एकदम सिंपल घट गया। उसके बाद यहाँ 5 लिखा है, 5 में से 6 घटाना है, तो 5 में से 6 हम नहीं घटा सकते। ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए तभी हम घटा सकते हैं, अगर ऊपर छोटा नंबर है तो हम नहीं घटा सकते हैं। तो ऊपर वाला नंबर 5 है, 5 को बड़ा बनाने के लिए उसके बगल वाले नंबर से एक हासिल लेंगे, एक उधार लेंगे। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इससे एक उधार लेंगे तो 1 इसके पास आ जाएगा। यहाँ 5 लिखा हुआ है, मगर ये आपको अपने दिमाग में क्या बनाना है कि 5 तो लिखा है लेकिन 5 एक इससे उधार ले रहा है 3 से,
तो 3 इसके आगे आके लग जाएगा, तो यहाँ 15 बन जाएगा। यानी यहाँ 5 लिखा है, मगर आपको दिमाग में अपने क्या सोचना है कि ये 15 हो गया क्योंकि एक उधार इसने ले लिया। तो 15 में से 6 को आप घटाइए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, इतना काम हो गया। यहाँ पे 3 था, एक उधार इसके पास चला गया, तो ये 15 हो गया, 6 घटा 9 बचा। ये उधार दे चुका है लेकिन लिखा यहाँ पे 3 है, मगर आप अपने मन में क्या समझेंगे, यहाँ 2 लिखा हुआ है। यानी अपने दिमाग में आप क्या समझेंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक उधार दे चुका है। तो अब 2 में से 5 को आप नहीं घटा सकते, तो उसके लिए फिर से आप इससे बगल वाले से एक उधार लेंगे, लेकिन बड़ा बगल वाला जो नंबर है वो पहले से ही छोटा है क्योंकि ये 0 लिखा हुआ है, 0 कुछ उधार दे नहीं सकता है। तो आप इससे भी बगल वाले के पास जाएंगे, आप इससे कहेंगे मुझे एक उधार दे दो, मगर ये भी 0 लिखा है, इससे भी आप उधार नहीं ले सकते। तो आप इसके और बगल वाले में जाएंगे, जहां तक हमें नहीं मिलेगा तब आगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए, इससे हम कहेंगे एक उधार दे दो, तो एक इसके पास आ जाएगा। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मगर ये 3 एक उधार पहले इसको दे चुका है, इसका मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। और एक उधार इससे ले रहे हैं, तो यहाँ 2 है और एक उधार लिया, तो 2 था पहले से और एक उधार ले लिया, तो क्या हो गया, 12 हो गया, एक इसके आगे लग गया आके, ऐसा आप अपने दिमाग में समझेंगे। यानी कि यहाँ 3 ना होके 12 लिखा हुआ है, ऐसा आप अपने दिमाग में समझेंगे एक उधार इससे लेने की वजह से। तो 12 में से अब आप 5 को घटा दीजिए, 12 में से जब आप 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, तो 7 बच गया। उसके बाद बीच में जितने भी 0 होते हैं माइनस में, ये बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आपने उधार लिया, इससे नहीं मिला, इससे नहीं मिला, और आगे से लेके आए, और बीच में जितने भी 0 हैं वो फिर 0 नहीं रह जाते हैं, वो सारे 9 बन जाते हैं, 9 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 9 बन जाते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जितने भी बीच के 0 होते हैं वो 9 बन जाते हैं। तो अब 9 में से आपको 4 घटाना है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ भी 9 है, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी जितने 0 थे वो 9 9 बन जाते हैं, अगर बीच में हैं और बगल वाले से आपने उधार हासिल लिया है तब। ठीक है, तो ये घट गया। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मगर ये 2 एक उधार 3 को पहले दे चुका है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा तो है, मगर आप अपने दिमाग में ऐसा समझेंगे यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो घटाया किस तरह से जाता है वो भी आपने देख लिया। एज को निकालने के लिए डेट किस तरह से लिखी जाती है, तारीख किस तरह से लिखी जाती है वो भी आपने देख लिया। और दिमाग में आपको क्या रखना है, एक महीने में 30 डेज होते हैं, 1 ईयर में 12 महीने होते हैं, इन सब का यूज़ करेंगे। आइए अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि एज को किस तरह से निकाल सकते हैं, आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं अपनी एज, यानी कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इसमें हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात ये बताइए, मान लीजिए आप 2005 में पैदा हुए थे और चल रहा है 2021, तो आप किस तरह से घटाएंगे, आप किस तरह से लिखेंगे, पहले आप मुझे ये बता दीजिए, आप इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे। आप 2005 में पैदा हुए थे और 2021 चल रहा है, तो 2021 को ऊपर लिखेंगे, 2005 को नीचे लिखेंगे, या फिर 2005 को ऊपर लिखेंगे, 2021 को नीचे लिखेंगे, ये आप पहले मुझे बता दीजिए किस तरह से लिख के आप घटाएंगे। आप देख रहे हैं 2005 में आप पैदा हुए थे, तो जिस भी सन में जिस भी तारीख को आप पैदा हुए थे उससे जैसे ही डेट आगे बढ़ती है वो डेट अपने आप में बड़ी हो जाती है। तो जैसे जैसे दिन बीतता जाता है डेट अपने आप बड़ी होती जाती है, डेट का जो नंबर होता है वो अपने आप में बड़ा होता चला जाता है। 2021 आपको सफा सफा दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये नंबर बड़ा है और 2005 छोटा है। और माइनस करने का तरीका यही होता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाया जाता है, यानी कि बड़े नंबर को ऊपर लिखिए, छोटे नंबर को नीचे लिखिए, तभी आप घटा सकते हैं। इसका मतलब यही सही तरीका है, बड़े नंबर को आप हमेशा ऊपर लिखेंगे, छोटे नंबर को हमेशा नीचे लिखेंगे, यानी कि जब आप पैदा हुए थे उसी को नीचे लिखेंगे, और जिस डेट को आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो डेट अपने आप में बड़ी होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ से, इसलिए आप उस डेट को हमेशा ऊपर रखेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये तरीका गलत है। अगर इस तरह से लिखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। तो इस एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर देख लीजिए कि हमने ये चीज़ जो लिखी है यहाँ पर, ये किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हमने रैंडम ऐसे ही लिख दिया है, तो यहाँ पर जो हमने लिखा है नीचे वाली जो है ये किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 15 तारीख को तीसरे महीने में
1998 में कोई पैदा हुआ था और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 15 तारीख तीसरा महीना 2016 में कितने साल का हो गया, तो जिस तारीख को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो तारीख बड़ी होती है उसे ऊपर लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ को हमेशा नीचे लिखेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था। अब आइए हम इसे घटाकर देख लेते हैं फटाफट कि किस तरह से एज को निकाला जाता है। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ भी नंबर और आपको मालूम है जोड़ घटाना गुणा भाग कोई भी चीज हो उसमें आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ये बात भी आपको अपने दिमाग में रखनी है। यानी कि राइट से आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे यानी इधर से इधर की तरफ जाएंगे, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं चाहे गुणा करें चाहे भाग करें। तो माइनस करना है, 15 ऊपर लिखा है 15 नीचे लिखा है, पूरा पूरा घट के जीरो बचेगा। 5 में से 5 को आप घटाएंगे जीरो बचेगा, 1 में से 1 को घटाएंगे जीरो बचेगा, कुछ नहीं बचा कोई बात नहीं घटा लिया हमने। उसके बाद यहाँ देखिए 3 में से 3 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा जीरो, 0 में से 0 घटाएंगे कुछ नहीं, यहाँ फिर इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ 6 में से 8 को आपको घटाना है तो 6 आप देख रहे हैं छोटा है, 6 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है, इसलिए 6 अपने बगल वाले से एक उधार लेगा एक हासिल लेगा। तो एक जब इसको उधार देगा तो 6 के आगे लग जाएगा कि 1, तो वो हो जाएगा 16। आप अपने मन में क्या मानेंगे, यहाँ 6 लिखा है मगर आप अपने मन में मानेंगे यहाँ 16 लिखा है, तो 16 यानी कि 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है 8 बच गया। उसके बाद यहाँ 1 लिखा हुआ है और ये 1 पहले ही उधार दे चुका है किसी को, तो उधार जब इसने एक दे दिया यहाँ 1 लिखा है मगर आप अपने मन में मानेंगे यहाँ 0 लिखा हुआ है क्योंकि उधार तो एक दे चुका है, तो अब 0 में से 9 को आप घटा नहीं सकते इसलिए ये 0 इससे उधार मांगेगा 1, तो 1 इसके पास है नहीं, ये तो पहले से 0 है तो इसके पास आएगा, इससे उधार 1 लेगा, यहाँ पे 1 लिखा है मगर आप अपने मन में क्या मान रहे हैं 0 क्योंकि 1 उधार दे चुका है और 1 इससे उधार लेगा, तो 0 यहाँ पहले से लिखा हुआ था और जब इससे 1 उधार लेगा तो 1 इसके आगे आके लग जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, यानी कि जो 1 लिखा है ये अब 10 बन गया क्योंकि यहाँ 0 हो गया था 1 उधार लिया तो ये 10 बन गया। आप 10 में से 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है मगर मैंने आपको घटाने में पहले ही बता दिया है अगर इधर वाला नंबर जो है राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड वाले नंबर से अगर उधार लेता है और बीच में अगर 0 जितने भी हैं वो 9 बन जाते हैं 9 बन जाते हैं, यानी कि यहाँ 0 लिखा है तो 9 आप मानिए 9 में से 9 घटाइए तो कितना बचेगा 0 बचेगा, और यहाँ 2 लिखा है 1 उधार उधर पहले दे चुका है तो इसका मतलब यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। तो आपने देखा कि जिसकी उम्र डेट ऑफ बर्थ थी 15 तारीख तीसरा महीना 1998 उसको हमने कैलकुलेट किया 15 तारीख तीसरा महीना 2016 में वो 18 साल का एग्जैक्ट हो गया है, यहाँ 0 बचा यहाँ 0 बचा यानी कोई दिन कोई महीना नहीं आया केवल एग्जैक्ट वो 18 साल का हो गया। अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम घटाएंगे तो 3 में से घटा नहीं सकते तो 1 उधार इससे लेगा, 1 उधार इससे लेगा तो यहाँ पे 2 है 1 उधार इसको दे देगा ये हो जाएगा 13, यानी कि 3 लिखा है 1 इसके आगे लग जाएगा आके 3 के आगे 1 लग जाएगा इस तरह से, यानी 1 उधार लिया तो ये 13 हो गया, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा 9, तो आपने 9 लिख दिया। यहाँ 2 लिखा है 1 उधार दे चुका है मगर आप अपने मन में मानेंगे कि यहाँ 1 लिखा है, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, उसके बाद इस तरह से बना देंगे 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचा, 0 में 0 घटाएंगे 0 बचा, यहाँ लाइन खींचेंगे 8 में से 8 को घटाएंगे 0 बचा, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी 4 तारीख नवा महीना 2008 उसको हमने कैलकुलेट किया कि वो 23 तारीख नवे महीना 2018 में कितने साल कितने दिन और कितने महीने का हो गया है, तो वो हमने निकाला कि वो 10 साल 19 दिन का हो गया है, महीना 0 आया है इसका मतलब वो 10 साल 19 दिन का एग्जैक्ट हो गया है। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल को भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, इस वीडियो को लाइक करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और इस वीडियो का जो लास्ट एग्जांपल मैंने लिया है ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी वीडियो का निचोड़ है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप यहाँ पर देखिए कि इस तरह की डेट ऑफ बर्थ अगर आपके सामने आ जाए तो किस तरह से इसे माइनस करेंगे किस तरह से घटाएंगे, तो ये पूरी वीडियो का निचोड़ है इसलिए आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे यहाँ 5 लिखा है, 5 में से 6 हमें घटाना है तो 6 बड़ा है 5 छोटा है इसलिए घटा नहीं सकते, तो 5 एक उधर से उधार लेगा
तो जब उधार लेगा तो 5 के आगे 1 लग जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 को घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना 9 बचेगा, तो 9 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ 1 लिखा है, 1 एक उधार इसको दे चुका है, यहाँ लिखा तो 1 है मगर आप अपने मन में क्या मानेंगे, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, इसलिए 0 में से 2 घटाया नहीं जा सकता, 0 छोटा है 2 बड़ा है। तो इस तरह से अगर नंबर आ जाए तो आप पहले इधर से उधार लेंगे, इधर से उधार लेके तब इसको बड़ा बनाएंगे। तो इसको आप घटाने से पहले ही अगर आप ध्यान से देखते तो ये पूरा नंबर जो लिखा हुआ है ये 15 लिखा है और नीचे 26 लिखा है, 26 लिखा है, ये पूरा ही नंबर बड़ा है ऊपर वाले नंबर से, तो ऊपर वाला पूरा नंबर छोटा है, इसलिए पहले ऊपर वाले नंबर को आप बड़ा बना लीजिए उसके बाद ही घटाइए। तो यहाँ पे इस तरह से हम नहीं घटा सकते, तो 15 लिखा हुआ है ऊपर, हम 15 पहले लिख दे रहे हैं। उसके बाद एक उधार इधर से लेंगे, यहाँ 10 लिखा है, एक उधार लेंगे तो एक इसके आगे आके लग जाएगा, यही किया जाता है माइनस में। मगर जब एज कैलकुलेट की जाती है तो यहाँ पे एक इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। जब माइनस किया जाता है तो लिखने का ये सही तरीका है, मगर जब एज कैलकुलेट किया जाता है और ये नंबर छोटा है और ये जो तिरछी लाइन बनी है इस बाउंड्री के बगल से अगर उधार लेना पड़े, या ये नंबर छोटा पड़ जाए और इसको इस बाउंड्री के इधर से उधार लेना पड़े, तब यहाँ पे इस तरह से 1 आप मत लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तब आप क्या करेंगे, ये 1 को, ये एक 1 जो लिखा हुआ है ये एक अलग चीज है और ये जो 15 लिखा हुआ है ये एक अलग चीज है। ये 15 जो है ये दिन है, डेज है, और ये जो 10 है ये महीने हैं यानी कि मंथ है, और ये जो 2021 लिखा हुआ है ये साल लिखा हुआ है, यानी कि तीनों ही चीजें अलग अलग हैं। तो इन तीनों चीजों को अगर आपस में जोड़ना है तो पहले एक ही तरह का आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि ये 15 जो है ये दिन लिखे हुए हैं, डेज लिखे हुए हैं, और ये महीना है, एक महीना उधर उधार ले जाएंगे और एक महीने में 30 डेज होते हैं। तो एक यहाँ पे आप मत लिखिएगा इस तरह से, जब इधर से बाउंड्री के बगल से उधार ले रहे हैं तो आप देखिए कि किससे उधार ले रहे हैं, महीने से उधार ले रहे हैं, एक महीना उधर जाएगा और यहाँ पे दिन लिखे हुए हैं 15 और ये महीना है, महीना एक उधार जाएगा और एक महीने में 30 डेज होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 30 डेज आप यहाँ पर नीचे लिख के पहले जोड़िए, ये तरीका होता है। तो जब बाउंड्री के बगल से उधार लेंगे तो ये दिन है और एक उधार लाए तो एक महीना इधर आएगा, और ये दिन जो होते हैं वो 30 डेज के महीना होता है। तो 15 और 30 एक महीने को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा तो 15 है मगर आप अपने मन में मानिए कि यहाँ 45 लिखा हुआ है। अब 45 में से आपको कितना घटाना है, 26 घटाना है, तो 26 को आप यहाँ नीचे लिख लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। इस तरह से आप घटाएंगे, यहाँ डायरेक्ट आप नहीं घटा सकते, 15 एक उधार लेगा तो 15 और एक ये महीना इधर आके 30 हो जाएगा, 30 और 15 मिला के कितना हो गया, 45, और 45 में से अब 26 हम घटा रहे हैं, 5 में से 6 जाएगा नहीं उधार लेंगे, 15 में से 6 गया तो बचा 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो बचा 1, यानी कि 19 बचा। तो यहाँ पे आप 19 इस तरह से लिख देंगे, तो इस तरह से घटाया जाता है, आपने घटा लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे वो देखिए, आप यहाँ पे 10 लिखा हुआ है मगर आप अपने मन में मानेंगे यहाँ पे 9 बचा, 9 बचा, क्योंकि 10 में से एक उधार चला गया। या आप इस तरह से भी मान सकते हैं, ये बीच वाले जितने नंबर होते हैं वो सब 0 0 जितने होते हैं वो 9 बन जाते हैं, उस तरह से भी ये 9 बन गया और ये जो 1 था एक उधार दे चुका है इसलिए 0 बचा, इस तरह से भी 9 बचा, और ये 10 में से एक उधार चला गया तो भी 9 बचा, चाहे जिस तरह से आप समझिए उस तरह से 9 ही बचेगा। यानी कि 9 में से अब आपको 12 घटाना है तो 12 आप नहीं घटा सकते हैं क्योंकि 12 बड़ा नंबर है। तो पहले आप क्या करेंगे, 9 को बड़ा बनाएंगे, तो बड़ा बनाने के लिए एक इससे उधार लेंगे इस बाउंड्री के बगल वाले से, और ये क्या है, महीने हैं, महीने लिखे हुए हैं, मंथ लिखे हैं, और ये साल लिखा हुआ है, और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो एक साल जब आप इधर उधार लेकर आएंगे, इधर से एक साल इधर जाएगा, तो यहाँ 9 महीने लिखे हैं और एक साल उधर जाएगा तो 12 महीने, महीने में महीना जुड़ेगा तो आप यहाँ 12 जोड़ देंगे, एक साल इधर चला गया, 9 महीने और 12 महीने जोड़ दीजिए, 9 दो कितना हो गया, 11 हासिल लगा, एक एक और एक दो, यानी कि 21 आ गया, 21, यानी कि यहाँ 10 लिखा है, एक उधार जा चुका है तो 9 बचा, 9 में से 12 घटा नहीं सकते इसलिए एक उधार लिया, तो 9 और एक साल, एक साल में 12 महीने, 9 और 12 महीने कितने हो गए मिला के, हमने 21 देख लिया, 21 आ गया। अब 21 में से आपको 12 घटाना है, ये जो 12 लिखा है इसको आपको 21 में से आप माइनस करना है। तो अब 21 में से जब 12 आप माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो एक में से दो जा नहीं सकता, एक उधार लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से दो गया तो कितना बचा, 11 में से दो गया तो बचा 9, और यहाँ दो लिखा है मगर एक उधार इसको दे चुका है,
इसलिए आप अपने मन में मानेंगे यहाँ वन बचा, वन में से वन गया तो बचा जीरो, तो यहाँ नौ बचा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आप क्या लिखेंगे, जीरो नाइन लिखेंगे, यानी कि इसको घटाने के बाद नौ बचा, क्योंकि नौ में से घट नहीं सकता है, उधार लिया नौ और बारह इक्कीस हो गया, इक्कीस में से अब ये वाला बारह घटाया तो नौ आया, तो नौ हमने यहाँ पर लिख दिया, इस तरह से हमने इसको घटा लिया। उसके बाद अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2021, मगर एक साल उधर उधार जा चुका है, इसलिए आप यहाँ समझेंगे 2020 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ जीरो। अब जीरो में से एक घटा नहीं सकते, एक उधार लेंगे तो एक उधार लेंगे, ये दो से एक उधार आएगा, तो यहाँ पे पहले से जीरो लिखा हुआ है, अपने मन में मानेंगे एक उधार इसके आगे आ गया तो दस हो गया। अब दस में से एक घटाएंगे तो कितना नौ बचेगा, तो यहाँ पे आप नौ लिख देंगे। यहाँ दो लिखा हुआ है, एक उधार इसको दे चुका है, इसलिए आप अपने मन में मानेंगे यहाँ वन बचा, वन में से जीरो घटाएंगे तो वन बचा। यहाँ जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो आएगा, दो में से दो घटाएंगे तो जीरो आएगा। तो आपने देखा कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 26 तारीख 12वां महीना 2001 थी, वो 15 तारीख 10वां महीना 2021 को 19 साल 9 महीना 19 दिन का हो गया है। आप इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि इस वीडियो में आपने सीखा है कि एज किस तरह से निकालें, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम हो तो एज आप निकालना सीख गए, मगर आप किस तरह से निकालें, मान लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ है और ये किस तरह से निकालें कि आप किस दिन पैदा हुए थे, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी याद है और किस तरह से निकाले कि आप किस दिन पैदा हुए थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, तो उसे भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो चैनल जैक्सर पर अवेलेबल है, आप चैनल जैक्सर पर जाकर देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, इस वीडियो के इंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक्सर के साथ।